बेटा को धमकी देकर को बुला कर को मर्डर कर दिया पुस्ता रोग से उठा के। मैं 2 महीनों से परेशान हूँ, हमारा कोई नहीं सुनता। 45 के चौकी में चौकी के इंचार्ज ने हमें 2 महीनों से भगा रहा, हमारी कोई साफ नहीं कर रहा। जब भी हम जाते हैं चौकी में, चौकी इंचार्ज मुझे डांट करके वहाँ से भगा देता है कि जाइए यहाँ से, आपका बेटा है। मैं मेरे बेटा को मर्डर किया हूँ, मर्डर किया है अडवाणी नाम का गुंडा सिराज, सिराज ने धमकी दिया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ एक पीड़ित महिला है जिनके बेटे की हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद जो हत्यारे हैं उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने अपने आप को मतलब नुकसान पहुंचाया, अपने आप को मारा है, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस हैं, हम इसलिए जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक पीड़ित माँ है, एक पीड़ित बहन है, और मामला कुछ और है, और इस मामले को कुछ और एंगल दिया जा रहा है। जो भी मामला है मैं आपके सामने पूरी तरह से आज इसका खुलासा करूंगा, और जो भी चीज़ है, जो भी आरोपी हैं उनको पूरी तरह से एक्सपोज किया जाएगा। तो मेरे साथ में जो पीड़ित हैं, अब सबसे पहले उनसे बात करवाते हैं, मामला क्या था ये चीज़ भी आपको हम उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। जी, पहले थोड़ा सा आप मामला बताएं, मामला क्या था, और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, बेटे का नाम बताइए। हमारे बेटा का मोहम्मद जियाउद्दीन नाम था, अचुन्नू भी नाम था उसका। हमारे मामला यही था जो पहले ने वो मेरे बेटा को 60,000 रुपया उन्हें फिरौती मांगा, डराया धमकाया। मेरे बेटा डर से बहुत डराना सराता था। एक रोज उन्हें बुला कर को अपने घर में बंद कर लिया। बंद करने के बाद हमने रहती कहाँ है पहले? हम पुरानी हल्दौनी मोड़, पुरानी अलीवर्दीपुर में रहते हैं, सेक्टर 88 में, ग्रेटर नोएडा पड़ता है ना? नहीं, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, हाँ, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा। और जब ना वो हमें बेटा को, हमने बाबू को यहाँ से दिल्ली में रवाना कर दिए, भगा दिए कि बेटा चला जाओ यहाँ पर से, यहाँ तुम्हें मार देगा। जब मेरा बाबू ने आया 2-4 बार, जब मेरी बेटी को उन्हें मेरी बेटी को गिरफ्तार कर लिया, 6 महीना मेरी बच्ची, नहीं वो डकैत ने, चोर ने, बदमाश ने, बेटी को हमारी अडवाणी ने मेरे बेटी को 6 महीना घुमाया रास्ते पर, भोजपुर कहाँ ले गया, हम पागल की नहीं थी, घूमती रही पूरे पूरे रात, छत पर खड़ी रहती थी, फिर भी मेरी बेटी को नहीं पता चलता। रोइए, मैं पहले आराम से। बेटिया आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मुस्कान है, और जिनकी डेथ हुई वो मेरे भाईजान थे। मेरे वजह से मतलब ऐसा हो गया था, जिन्होंने मारा है मेरे भाइयों को, वो मुझसे ये कहते थे कि मतलब मुझसे बातचीत करने की कोशिश करते थे अपने दोस्तों वोस्तों से कह के बुलवा के, तो मैं मना कर देती थी। मेरे भैया को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे भाइयों मतलब मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना, या फिर मुझसे कहता था कि अपने दोस्तों से बात करवाओ, तुम्हारी हिंदू लड़की हो मेरे पास लेकर आओ उसे, और मैंने मना करा था। ये बात मैंने अपने भाई को बताई थी, तो भाई ने डायरेक्ट मना कर दिया था। उनके साथ की एक लड़की थी, वो एक बार मेरे घर पे आई थी, मेरी मम्मी ने उनके घर पे बता दिया था कि अपनी लड़की को आप समझाओ, मेरे घर पे नहीं आए, तो वो आई थी बोलने के लिए। तो मेरे भैया ने मतलब उन्हें थोड़ा सा उल्टे लफ्ज़ में बोला था, ताकि मैं उनकी बहन हूँ, मेरे बारे में सुनेगा तो बोलेगा ही, तो इसलिए इस बात को लेकर उसने जाके मतलब उस अडवाणी बदमाश को जाके बता दिया कि आपको वो गाली दे रहा था। तो फिर एक दिन मैं आ रही थी रास्ते पर, उसने मुझे रोक कर मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, उसने मुझे गाली क्यों दी, रास्ते पुस्ते पर से उठवा दूंगा। तो मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे कोई थोड़ी उठवा लेगा किसी को, तुम गलत करते हो तभी तो तुम्हारे साथ होगा। कहने लग गया कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे भाई को मरवा दूंगा, उसने मुझे गाली कैसे दे दी ये, और तुझे भी मारूंगा, ये भी कहा था। और लड़की वड़की को कहता था मेरे पास लेके आने के लिए, मैंने मना कर दिया था। बस इसी चीज़ के लिए भाई मेरे ने मेरे भैया ने बोला था, बस यही मुझे धमकी दी, और उसी 1 महीने के बीच में 20 दिन के अंदर मेरे भाई को मार दिया, मार के यहाँ 45 के जंगल में जाके लटका दिया। पहले बहुत मारा, उनके शरीर पे चोट निशान है, फिर इसके बाद लटका दिया ऐसे ही। हमारे बेटा ने इसको सहेलिन को देखा, हमारे बेटा बोला जो हमारे बहन के पास मत आया करो, तुम अडवाणी के पास घूमते हो, हमारी बहन के पास नहीं आ, हमारे बहन से दूर रहो। वो बोला भैया अगर आपकी बहन रहता, बोला हमारे बहन का अगर छेड़ेगा ना तो साले को मार दूंगा चाहे मर जाऊंगा, है ना, अगर हमारे बहन को छिड़कानी करेगा। इस बात जाके वो लड़की
ने बताई चांद नाम की लड़की है, उन्हें जाकर को बताई उसको, जैसे ऐसे तेरे बहन भाई के गाली दे रहा था मुस्कान का भाई। मैं शाम को जब आ रही थी रास्ते पे तो मुझे रोक कर उन्होंने बोला कि तुम्हारे भाई ने मुझे गाली दी है तो तेरे भाई को मैं पुश्ते पे से उठवा दूंगा, मरवा दूंगा, मरवा दूंगा। अच्छा, ये उसके कैसे पहले की बात है? हाँ जी, ये शिराज ने का जो, हाँ वही एडवानी है, बदमाश है यहाँ का, हल्द्वानी का। अच्छा, हल्द्वानी का बदमाश। हाँ जी, हाँ जी, इसने मुझसे बोला है जी। बस वो वहाँ से लड़की आई हमें बताने के लिए, हमने सर के बताए, सर ऐसे ऐसे बात है, सर बोले जाकर को आप कंप्लेन करिए। हम सोचे क्या करेंगे, शायद ऐसे बोल दिया होगा, हमें नहीं पता था सर कि सच में मेरे बेटा के पूछताछ से उठा कर को मेरे बाबू को मार कर को यहाँ से आज जंगल में जाकर इन्हें टांगा। महीना भी नहीं लगा, जो धमकी दी थी उसके महीने महीना भी नहीं लगा, महीने भर के अंदर अंदर उसको मार दिया, मार दिया, मार दिया वहाँ से, मार के इसको वहाँ के डाल आया, मतलब पेड़ पे टांग दिया, मार के पेड़ पर टांग आया वहाँ जाकर। अच्छा, जंगल में 42 के जंगल में पहले उन्हें बहुत ज्यादा मारा। हाँ, पहले उन्हें मारा, मारने के बाद उनको गला दबाया गया, गला दबा के फिर इसके बाद उस पतली सी रस्सी से उन्हें टांग दिया गया। उनकी पैंट भी ऐसी ऊपर में ही थी, चप्पल ऐसी उनके पैरों में, चप्पल उल्टी पहना हुआ, कैप ऐसी रखी हुई थी, फोटो है हमारे पास। चलिए बताइए, फिर हमने वहाँ से फिर हमने इसको बहुत कलम जोड़े। नहीं तो आपने जब आपके बेटे को मारा तो आप पुलिस में गए, फिर एफआईआर कराई? पुलिस में गए, पुलिस वाले ने मुझे उसके दोस्त ने फोन किया, अंशु नाम का लड़का। किसके दोस्त ने? ओ चुन्नू का, हमारे बेटा के दोस्त। हाँ, हमारे बेटा का दोस्त जो था उन्होंने फोन किया, जो दोस्त कहाँ हो तो बोला, जो पुलिस वाला उठाया वो बोला कि तुम्हारे दोस्त ने मर गया फांसी पर लटक के, वो बताया। तो वो बोला इधर से नहीं, मेरा दोस्त मर नहीं सकता है, मेरे दोस्त से तो मैं 9:40 मुझसे बात किया हूँ, मेरे दोस्त क्यों मरना चाहेगा, आज जंगल में कैसे है? फिर उस लड़के ने बोला ये ठीक है, बोला किसी को जानते हो? बोला हाँ हम जानते हैं। बोला ठीक है, तुम परिवार वाले को खबर करो। हम लोग को 2 बजे दिन में हमें खबर आया, हम भागते जब यहाँ से गए, जब वहाँ गए तो हम सोचे साथ मारपीट किया, तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में है। जब हम वहाँ गए तब पुलिस वाला बताया कि आपके लड़के को ना कोई मार मरा कर को फांसी में लटका दिया। अच्छा, मार के उसको लटका दिया, लटका दिया है ऐसा हमें लग रहा समझ में। अच्छा, पुलिस वाले बोले, पुलिस वाला बोला कि किसी ने लटकाया, तो कोई मार मरा कर को इसको ने मार कर को कोई लटका दिया है। फिर जुग्गी वाली मुझे बताई जो आंटी आपके लड़के को कोई बाहर से मार के टांग दिया है। अच्छा, हमने देखे 10-11 बजे रात को बड़ी सी गाड़ी आई, 8-10 बंदा आया उसमें, अब बैठ कर को आपके लड़के को जंगल दे कर को ले गया अंदर, टांग दिया, वही सुबह में आपके लड़के को बॉडी मिला। ओहो, चलिए देखिए मामला पूरी तरह से अगर मैं कहूँ तो साफ होता नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनके बेटे को कोई किसी ने बुलाया और बुलाने के बाद में उसको खूब पीटा, मारा पीटा, और उसके बाद में उसका गला दबाया, और गला दबाने के बाद में उसको गाड़ी में डालकर ले गए, और जो ये बता रही हैं, जो स्पॉट बता रही हैं सेक्टर 45 में, सेक्टर 45 के जो जंगल हैं वहाँ पर उसको टांग दिया गया, और वहाँ पर जो कुछ महिला है, कोई महिला है, जी जी, 42 का जंगल है, 45 का चौकी, जी जी जी, तो उसके बाद में वहाँ पर जब टांग दिया गया तो ये लोग पुलिस में गए, पुलिस ने भी शक जताया कि आपके बेटे को मारा पीटा गया, क्योंकि बॉडी पर घाव थे, इसके अलावा मारपीट के निशान भी थे। दूसरी बात ये मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जब ये पुलिस में कंप्लेंट कराने गए तो पुलिस में मामला इनका दर्ज नहीं किया गया और उसको आत्महत्या बता दिया गया, पुलिस ने भी ठीक से जांच नहीं की। इसके अलावा वहाँ पर जो एक महिला है वहाँ पर, खैर महिला की बाद में बात बताऊँगा, पुलिस ने वहाँ पर किसी से पूछताछ करने की भी कोशिश नहीं की। इसके अलावा जो इन्होंने आरोपी बताए हैं जिनका नाम लिया है, पुलिस ने सस्पेक्टेड के नाम पर भी उनको अरेस्ट नहीं किया, ना ही उनसे कोई पूछताछ की। तो ये मामला पूरी तरह से साफ होता नजर आ रहा है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला है, जो मेरे साथ गुड़िया बैठी हुई, खैर किसी कारणवश हम इनका चेहरा तो नहीं दिखाएंगे, इनकी मदर का चेहरा हम दिखाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें हैं पूरी तरह से स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। यहाँ मामला पूरी तरह से छेड़छाड़ का है, और इनसे जो बोला गया, बिटिया से जो बोला गया, इनकी जो महिला है, इनकी बेटी से बोला गया कि आप अपनी सहेलियों को मेरे पास लाओ, अगर नहीं लाई तो आपको भी साथ वैसा ही हश्र होगा जैसे बाकी लड़कियों के साथ होता है। खैर चलिए अब बताइए बेटिया, आप बताइए थोड़ा सा, आपको मारा पीटा भी गया, आपके साथ कोई अभद्रता भी की उसने, कोई बदतमीजी की?
जी हाँ, एक बार उसने मतलब मारा था मुझे। अच्छा। हाँ, मुझे थप्पड़ मारा था, उस लड़की के लिए मारा था जो लड़की उसके साथ रहती है ना, क्योंकि मैंने उसके बारे में ना उस लड़की को सारी बात बता दी थी कि लड़का सही नहीं है, ये अच्छे नहीं है बिल्कुल। हाँ। हमारी बेटियों को छेड़छाड़ करता था। आपकी बेटी मतलब एक बेटी दो? नहीं, एक ही बेटी। हाँ, 6 महीना से परेशान करता। इस पर मेरा बेटा बहुत विरोध करता था जो हमारी बहनों को क्यों छेड़छाड़ करते हो। इस बात पर उन्हें धमकी दिया कि तू ज्यादा बोलेगा तो मैं मार डालूंगा। बोला ठीक है, तू मुझे मार देगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। हमारे बेटी को तो कौन कौन थे मतलब? इसमें है लुकमान, शाहिद, चंदा देवी और संजीव। मतलब ये चारों लोगों ने प्लानिंग के साथ आपके बेटे, पांच लोग हैं, पांचों लोग मिला हुआ है। अच्छा, पांचों लोग मिले, मिल के मारे हैं हमारे बेटा को। अच्छा, पांचों लोग मिल के मारे हैं। अब मेरे देख कर को हंस कर को चंदा देवी ने हंस कर को मेरी मजाक उड़ाती है हमारी। अच्छा। पास में है ना, जब जाकर को मारपीट किया है, मार के गाड़ी से वहाँ के रखाया है ना, गाड़ी में डाल के वहाँ के रखाया है। 2 महीना से हम बहुत भाग दौड़ किए, दरोगा सिर्फ मुझे धमकी देता है, आंटी आपको जहाँ जाना है जाइए, जहाँ से ऑनलाइन करवाना करवाइए, मैं आपका लड़का खुदे मारा, आपको कोई नहीं मारा। दरोगा मतलब जांच भी नहीं, मतलब वो जांच नहीं, जांच नहीं, कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ भी नहीं कर रहा है। हमने कमिश्नर सर के पास गए 108 में, हमने DSP के पास गए, वहाँ सेक्टर 6 में SP सर के पास गए, हमारी कोई इंसाफ नहीं। मतलब आपने सब जगह गुहार लगा ली? हाँ, लेकिन सब जगह हमने गुहार लगा लिया, हमारी कोई इंसाफ नहीं हुआ। और कातिल को कोई सामना नहीं करना चाहता है। देखिए, मामला जो है पूरी तरह से शीशे की तरह साफ है कि इनके बेटे को जो आरोपी है उन्होंने बुलाया किसी बहाने और उसके बाद में उसके साथ मारपिटाई की, और आरोपी जो है उन्होंने बुलाया भी इस वजह से क्योंकि वो उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ करते थे, और वो एक भाई ने, जाहिर सी बात है कोई भी भाई होगा तो विरोध करेगा ही, वो नहीं चाहेगा कि कोई भी किसी की बहन के साथ भी छेड़छाड़ हो। तो उसने वही किया जो एक भाई को करना चाहिए था, उसने विरोध किया और विरोध के कारण आज इनका बेटा इस दुनिया में नहीं। पुलिस का जो मामला है, पुलिस का जो रवैया है, पूरी तरह से जो कहें एकदम परेशान करने वाला है, हद तक करने वाला है, हैरान कर देने वाला है। पुलिस ने इस मामले में पूरी तरह से छानबीन अगर की होती, ईमानदारी दिखाई होती, तो आज आरोपी जो हैं सलाखों के पीछे होते, और जो माँ के आंसू अभी बह रहे हैं आपके सामने देखिएगा, पूरी तरह से इमोशनल हैं वो, आज इस तरीके से रो नहीं रही होती, आज वो तड़प रही हैं, और जो न्याय की गुहार है वो लगा रही हैं प्रशासन से, देखिए हाथ जोड़ रही हैं। हम भी कोशिश करेंगे, हम भी पुलिस प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि इस मामले को देखा जाए, पूरी तरह से खोला जाए, और दर्ज करके जो आरोपी हैं, जो असली आरोपी हैं, उनको जेल के पीछे रखा जाए। जो असली आरोपी हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। एक बिटिया को, एक माँ को, एक परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं मनीष कुमार अंकुर, ग्रेटर नोएडा से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद।